प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में देश के दर्जनों बच्चों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चमोली के मानसी और परमजीत सिंह ने वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं दोनों स्वर्ण विजेताओं के वापस लौटने पर जनपद वासियों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले जो ये खेलो इंडिया रहा वो मेरे लिए मेरा जिंदगी का पहला था, मतलब जो मेरा बेस्ट रहा, मतलब मेरी मेहनत इसमें रंग लाई। तो इसमें सभी टीचर वगैरह वगैरह सब सर लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट करा, तभी आज मैं यहाँ सबके सर मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का जिन्होंने इस सम्मान के काबिल मुझे और मानसी को समझा। और सर इसमें इस सफलता का श्रेय हमारे कोच सर श्री गोपाल सिंह बिष्ट को जाता है जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत की। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अगर कहूँगा तो सर वो भी कम होगा, लेकिन सर मेन चीज़ ये है कि इस ग्राउंड की हालत ठीक नहीं है सर। हम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये ग्राउंड ठीक हो जाए तो यहाँ से कई ऐसे लड़के निकलेंगे जो हमसे भी आगे जाएंगे, जो आने वाले भविष्य में इस गोपेश्वर का भविष्य बनेंगे, भारत देश के लिए नाम रोशन करेंगे सर। वहीं ग्रामीण प्रतिभाओं को उभरने के लिए जिस तरह की पहल देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है उसकी खेल प्रेमियों ने जमकर तारीफ की। चमोली से कुलदीप रावत, पंजाब केसरी टीवी।